इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को, आपको बता दें, बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और उनके इस दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है अमित शाह आ रहे हैं तो बिहार की जनता की उम्मीद जगी है। अमित शाह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं, ये जनता को बता दीजिए। तेजस्वी यही नहीं रुके बल्कि ये भी कहा अमित शाह का मकसद तो यही है जो समाज में जहर है वो फैलाया जाए, नफरत एक दूसरे के साथ किया जाए, मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे। पिछले बार भी 2014 में पूर्णिया प्रधानमंत्री जी आए थे चुनाव की रैली में, तो उन्होंने वादा किया था कि चाहे स्पेशल पैकेज हो, स्पेशल स्टेटस हो या स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी तो ये भाजपा की सरकार जो है वो देने का काम करेगी। आज 14 से 22 हो गया, यानी लगभग 8 साल हो गए। 8 साल में आप बताइए, ना तो स्पेशल पैकेज मिला, ना स्पेशल स्टेटस मिला, ना स्पेशल अटेंशन मिला। अरे बिहार की जनता ने उस समय एनडीए को 40 में से 39 दिया था ना एमपी, इनकी सरकार बनाई ना केंद्र में, लेकिन सब लोगों ने वोट को ठगने का काम किया, बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। बिहार के लोग तो सब समझते हैं, सब जान रहे हैं, एजेंडा ही नहीं है, मुद्दे वाली बात नहीं है। क्या एजेंडा है इनका? जो एजेंडा है हिडन एजेंडा है, और हिडन एजेंडा बिहार की जनता से कुछ हिडन नहीं रहता, छुपा हुआ नहीं रहता। समाज में तनाव पैदा करो, आपस में लड़ाओ, यहाँ आएंगे क्या कहेंगे, बोलेंगे जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। 25 तारीख को 6 बजे शाम में लालू जी और नीतीश जी को समय दिया है, तो दोनों नेता नीतीश कुमार जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का।